तिरुवल्लूर में बड़ा रेल हादसा हुआ, जहां बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के शिकार हो गई। ये ट्रेन मैसूर से दरभंगा की ओर आ रही थी। जानकारी के मुताबिक कवरा पिट्टई रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी से टकराने की वजह से हादसा हुआ है। टक्कर के बाद बागमती एक्सप्रेस की 6 बोगियां डीरेल हो गई, वहीं पार्सल वैन में आग लग गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए। राहत बचाव कार्य के बीच रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह रेल हादसा सामने आया है, जहां बागमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में यह हादसा हुआ है। चेन्नई के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया, इसके साथ साथ समस्तीपुर के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। मालगाड़ी से टकराने से यह हादसा हुआ है। कवरा पिट्टई रेलवे स्टेशन पर यह टक्कर हुई है। तो बिहार के भी कई जिले जिन जिलों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो बड़ा रेल हादसा हुआ है, बागमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। तमिलनाडु से ये खबर बता रहे हैं, जहां तिरुवल्लूर में यह हादसा, बड़ा हादसा सामने आया है। तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे ये ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरी हुई नजर आ रही है, और ऐसे में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। और इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप अपने परिजनों की सूचना ले सकते हैं। समस्तीपुर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो कि एक हेल्पलाइन नंबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप कॉल करके अपने परिजनों की जानकारी ले सकते हैं। तो एक बड़ा हादसा ये तिरुवल्लूर में, जहां बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है। वहीं बता दें कि पार्सल वैन में आग लग गई, हालांकि इस बीच लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो देखिए, बागमती एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। सवाल बार बार कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं कि देश में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, और रेलवे की तरफ से क्या कोई ऐसी अचूक व्यवस्था नहीं की जा पा रही है कि ऐसी घटनाओं को बचाया जा सके, क्योंकि बार बार कई बार लापरवाहियां सामने आती हैं, कई बार ऐसे हादसे होते हैं, कईयों की जान चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो लगातार कई ट्रेन जो हादसे का शिकार हो गए हैं, जिसमें ना जाने कितनों की जान चली गई। ये तस्वीर रात की है, जहां देखिए कैसे लोग अफरा तफरी के माहौल में नजर आ रहे हैं। वहीं जो कई लोग बिहार से भी बताए जा रहे हैं, जिनसे बात करने के लिए लोग परेशान भी है। संजय कुमार झा का इस बीच पोस्ट भी सामने आया है, वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जिन्होंने हादसे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने हादसे पर दुख जताया और कहा कि राहत बचाव कार्य जारी है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि संजय कुमार झा का पोस्ट, जहां पर उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के, यात्रियों को राहत देने को लेकर के अपनी ओर से पहल की बात भी कही है। दरभंगा आने वाली बागमती एक्सप्रेस के एक्सीडेंट की खबर के बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए सहायता केंद्र खोला गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विपिन कुमार दास। दरभंगा आ रही बागमती एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, चूंकि ये यहाँ पर आती है रविवार को यहाँ पहुँचती है, जिसको लेकर यहाँ मिथिला क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा उसमें यात्री रहते हैं, जो चिंता बढ़ गई है यहाँ के लोगों को। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि दरभंगा स्टेशन के द्वारा हेल्प डेस्क भी बना दिया गया है और सुचारू रूप से चालू है। लोग यहाँ संपर्क कर सकते हैं और अपने परिजन का हाल जान सकते हैं कि क्या स्थिति में आखिरकार है। हम अभी दरभंगा स्टेशन पर हैं और इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या अभी तक सूचना ही है और क्या है, क्या स्थिति है। और हम लोग को कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन मिली कि बागमती एक्सप्रेस जो आ रही थी वो तमिलनाडु के आसपास में डरेल हो गई है। उन्हीं को परिजनों के, मतलब जिन परिजनों को दूसरे परिजन, अपने परिजन से मतलब मिलाप नहीं हो पा रहा था, संपर्क नहीं कर पा रहे थे, उनकी सहायता के लिए हम लोग सहायता केंद्र खोले हुए। क्या सूचना है, मतलब कितने बोगी उतरे हैं? नहीं, इसकी प्रॉपर सूचना तो हम लोग को ज़्यादातर नहीं मिल पाई है। ये संडे को आते थे 4 बजे के आसपास। हाँ, ज़्यादातर चूँकि दरभंगा आती थी तो इसी इलाके के लोग। हाँ, उम्मीद तो है कि इसी इलाके को होते, क्योंकि लास्ट स्टॉपेज उसका दरभंगा था। हाँ, तो इस इलाके से ज्यादा। हाँ, यहीं से तो जाते होंगे, काहे की गाड़ी यहीं से जाती थी, तो यहीं से जाते होंगे। अभी तक एक भी परिवार आपसे संपर्क? अभी तक हम लोग 1 घंटा हो गए हैं, अभी तक कोई परिवार हम लोग से मतलब कंसल्ट नहीं कर पाए हैं, अभी तक नहीं आ पाए हैं।
उधर रेलवे के द्वारा बताया भी गया है कि दरभंगा के कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं, या प्रॉपर सूचना हम लोग को नहीं मिल पाई है, अभी नहीं मिल पाई है। अभी जो सूचना भी है यहाँ नहीं पहुँची है कि दरभंगा के कितने लोग या इस इलाके कितने लोग उसमें घायल हैं या किस स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्प डेस्क बना दिया गया है, लोग जो परिजन है यहाँ आके जानकारी ले सकते हैं और जानकारी साझा कर सकते हैं, और रेलवे इनकी मदद के लिए यहाँ पर हेल्प डेस्क खोल दिया गया है।